हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत विश्वास है जे जे वर्किंग ऑफ खासापाड़ा रेलवे वर्कशॉप। वेलकम माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अभिजीत। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज हम मेरा वीडियो का माध्यम से भारतीय रेल में एयर ब्रेक सिस्टम, लाइन डायग्राम और एयर ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है ट्रेन में, और उसका साथ इमरजेंसी ब्रेक कैसे लगता है ट्रेन में, और हमारा जो डीबी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होता है जो एयर ब्रेक सिस्टम में जो डीबी को हार्ड बोला जाता है उसका फंक्शन देखेंगे, और हम लोग सिंगल पाइप जो एयर ब्रेक सिस्टम होता है वो भी देखेंगे, और टू एन पाइप जो एयर ब्रेक सिस्टम है उसमें ज़्यादा चर्चा करेंगे क्योंकि अभी सब ऑल कोर्स में टू एन पाइप सिस्टम यूज हो रहा है। उसके बाद देखेंगे बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम का बारे में, उसके बाद ईपी जो ब्रेक सिस्टम जो होता है ईएमओ मेमो में लगता है, इलेक्ट्रिक न्यूमेटिक ब्रेक, और उसके बाद अलार्म चेन पुलिंग भी देखेंगे जिसको ऐसे भी देखेंगे, जो हमारा स्लैग एडजस्टर बैरल होता है, उसके बाद बीपी ब्रेक प्रेशर के बारे में देखेंगे, एफपी का बारे में देखेंगे, उसके बाद कंट्रोल रिजर्वर जो सीआर बोला जाता है उसका काम क्या होता है, उसका चार्ज कितना होता है, उसका एआर जो ऑक्सिलरी रिजर्वर होता है उसका बारे में भी देखेंगे, आइसोलेटिंग कॉक क्या है, डार्ट कलेक्टर क्या है इसका बारे में भी देखेंगे, और उसी का साथ हम लोग जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा जो 150 क्वेश्चन होगा उसका आंसर भी देखेंगे, और लाइन डायग्राम जो है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। लाइन डायग्राम हमारा एयर ब्रेक सिस्टम जो डीबी होता है ब्रेक सिलेंडर, अभी यहाँ पर देखिए जो हमारा ब्रेक सिस्टम है वो इंडियन रेलवे में चार प्रकार ब्रेक सिस्टम होता है, और चार प्रकार जो ब्रेक सिस्टम होता है वो होता है एयर ब्रेक सिस्टम, हम लोगों को पता है जो एयर ब्रेक सिस्टम में चलता है, और उसके बाद दो नंबर देखिए ईपी ब्रेक सिस्टम जो इलेक्ट्रिक न्यूमेटिक जो ब्रेक सिस्टम होता है, अभी लेटेस्ट वर्शन जो है हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस में इलेक्ट्रिक न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम चल रहा है, और हम लोगों को पता है जो ईएमयू मेमो होता है उसमें हमारा ईपी ब्रेक सिस्टम चलता है। उसके बाद देखिए हैंड ब्रेक होता है एक जो गार्ड वैन में रहता है, और उसके बाद ये वैक्यूम ब्रेक जो ओल्ड टाइप है अभी उसका यूज नहीं होता है। तो अभी हम लोग जो चर्चा करेंगे एयर ब्रेक सिस्टम के बारे में, एयर ब्रेक सिस्टम जो एक टू इन पाइप ब्रेक सिस्टम होता है और एक होता है सिंगल पाइप ब्रेक सिस्टम। जो सिंगल पाइप ब्रेक सिस्टम वो अभी ओनली हमारा वागन में चल रहा है, फिर भी वागन में भी काम चल रहा है, वो भी ओल्ड टाइप होने वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ओनली फॉर टू इन पाइप ब्रेक सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। और हमारा जो टू इन पाइप ब्रेक सिस्टम है वो ग्रेजुएटेड रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम में, अर्थात धीरे धीरे हमारा जो एयर का प्रेशर बढ़ता है उस अभी यहाँ पर देखिए जो टू इन पाइप हमारा जो एयर ब्रेक सिस्टम है वो देखिए हमारा कॉन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम हमारा जो आईसीएफ में लगता है, आरसीएफ जो कॉन्वेंशनल होता है, उसका बाद देखिए अभी तो बीएमबीएस हो गया जो बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम जो एयर ब्रेक सिस्टम होता है, आईसीएफ आरसीएफ दोनों यूज होता है, और बीएमबीएस जो वागन में भी यूज हो रहा है, जैसे बॉक्सन एसएल में यूज हो रहा है, उसका बाद देखिए जो एक्सएल माउंटेड डिस्क ब्रेक जो एलएसबी कोर्स में यूज हो रहा है, अभी जो हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस में जो व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक जो यूज हो रहा है वो इलेक्ट्रिक न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम हो रहा है, और इसका जो कंट्रोल होता है वो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट से होता है, और उसका बाद जो हमारा जो मैग्नेटिक वाल्व होता है और सोलेनोइड वाल्व दोनों ही एक ही नाम है, इसका काम क्या है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है उसके बाद वो टू कंट्रोल दी एंट्री एयर प्रेशर, अर्थात मिनिमम एयर प्रेशर भेजकर हाइएस्ट हमारा ब्रेक एप्लीकेशन होता है। उसके बाद देखेंगे हमारा जो व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक है कॉम्पैक्ट ब्रेक कैलिपर यूनिट में रहता है, मतलब कैलिपर यूनिट के साथ ही रहता है। यहाँ पर देखिए जो बीएमबीएस सिस्टम है वो हमारा आईसीएफ बोगी में लगा हुआ है, बीएमबीएस सिस्टम मतलब हम लोगों को पता है जो टोटल चार एक कोच में चार ब्रेक सिलेंडर यूज होता है। यहाँ पर देखिए जो हमारा एक बोगी है इसमें दो सिलेंडर है, अर्थात तो हमारा एक बोगी में दो सिलेंडर रहेगा और एक बोगी में दो सिलेंडर रहेगा तो चार सिलेंडर यूज होगा। और ये देखिए बीएमबीएस मतलब जो बोगी का ऊपर हमारा ब्रेक सिलेंडर लगा हुआ है, इसलिए बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर बोला जाता है।
ये यहाँ पर देखिए जो हमारा डिस्क ब्रेक एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक है, ये एक्सेल है और एक्सेल का ऊपर जो डिस्क ब्रेक लगा हुआ है दोनों साइड में, एक एक्सेल में दो डिस्क ब्रेक लगा हुआ है, इसी को बोला जाता है एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक। जो हमारा जो क्रॉस बीम है वो क्रॉस बीम में एक जो कैलिपर यूनिट है उसी का माध्यम से हमारा डिस्क ब्रेक लगा होता है, इसको बोला जाता है हमारा LHB का डिस्क ब्रेक। यहाँ पर देखिए जो हमारा जो LHB का डिस्क ब्रेक कैसे काम करता है, हमारा LHB का डिस्क ब्रेक अभी तो हम लोगों को पता है जो ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम होता है, मगर एक नया हमारा जो WSP सिस्टम में काम करता है अर्थात व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, ये जो WSP सिस्टम है ये हम लोग अगला वीडियो में बात करेंगे पूरा तरीके से कैसे यहाँ पर कौन कौन जैसे डैम वाल्व रहता है, उसके बाद स्पीड सेंसर रहता है, उसके बाद हमारा जो प्रेशर स्विच रहता है वो कैसे कैसे काम करता है वो देखेंगे आगे जाकर। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए जो इलेक्ट्रिक न्यूमेटिक ब्रेक कंट्रोल यूनिट होता है, ऐसा रहता है हमारा इलेक्ट्रिक जो न्यूमेटिक ब्रेक कंट्रोलर, वो हमारा जो जो हमारा मैग्नेटिक वाल्व होता है उसी का अंदर से हमारा जो एयर प्रेशर निकलता है वही कंट्रोल करता है, और हमारा जो माइक्रो यूनिट कंट्रोलर होता है उसी से हमारा वो एयर ब्रेक सिस्टम का कंट्रोल करता है। बोगी फॉर वंदे भारत एक्सप्रेस, देखिए ये जो बोगी है इसमें हम लोग सबसे बड़ा जो चेंज देखा जाता है वो है हमारा व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक, अर्थात हमारा जो ये व्हील है ये इसमें देखिए ये जो डिस्क ब्रेक लगा हुआ है इसको ही बोला जाता है हमारा व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक, अर्थात ये हमारा ईपी सिस्टम है अर्थात इलेक्ट्रिक न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम है। अभी देखिए जो हमारा जो ट्विन पाइप है वो ग्रेजुएटेड रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम होता है, उसका लेआउट थोड़ा सा देख लेता हूँ। ये देखिए ये इसको बोला जाता है हमारा फीड पाइप और इसको बोला जाता है हमारा बीपी जो ब्रेक पाइप। अभी देखिए जो हमारा बीपी पाइप है उसका साथ कनेक्ट देखिए किसका किसका साथ है, देखिए ये हमारा गार्ड इमरजेंसी जो हमारा लाइन है ये बीपी से आया है, ये हमारा हम लोगों को पता है जो जब ब्रेक लगता है वो बीपी प्रेशर रिड्यूस होता है, अर्थात बीपी प्रेशर को रिड्यूस करने के बाद ही हमारा ब्रेक लगेगा, इसलिए हमारा जो इमरजेंसी जो ब्रेक होता है उसी का सब वो बीपी का साथ ही कनेक्ट होता है, जैसे अलार्म चेन पुलिंग होता है वो बीपी का साथ कनेक्ट रहेगा। उसके बाद देखिए हमारा जो यहाँ से हमारा डीबी का कनेक्शन होता है, आइसोलेटिंग वॉक रहता है, उसके बाद डार्ट कलेक्टर रहता है, उसके बाद हमारा जो ये डीबी होता है हमारा जो एयर ब्रेक सेक्शन का हार्ट बोला जाता है और वो कॉमन पाइप ब्रैकेट से लगा होता है, और देखिए हमारा जो यहाँ पर डीबी का साथ एक मैनुअल रिलीज हैंडल होता है उसका काम भी आगे जाकर देखेंगे, और इधर से देखिए जो हमारा फीड पाइप है यहाँ से चार्ज होता है हमारा ऑक्सिलरी रिजर्वायर जो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चार्ज होता है, और हम लोगों को पता है जो ब्रेक पाइप होता है उसको उसमें 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर रहता है और फीड पाइप में 6 kg पर सेंटीमीटर प्रेशर रहता है, वो आगे जाकर हम लोग डिटेल्स में थोड़ा सा देखेंगे। अभी थोड़ा सा लेआउट देख लीजिए, और इधर देखिए जो सिलेंडर होता है दो सिलेंडर होता है, सिलेंडर पहले आइसोलेटिक कॉक लगा होता है, आइसोलेटिक कॉक दो टाइप का होता है, एक वेन टाइप होता है और एक होता है नॉन वेन टाइप। जो वेन टाइप है वो हम लोगों को वहाँ से भी एयर हम लोग बाहर कर सकता हूँ, कभी भी हमारा जो ब्रेक सिलेंडर प्रॉब्लम मतलब ब्रेक लगा रहेगा तो ब्रेक रिलीज करने के लिए आइसोलेटिंग कॉक से हम लोग एयर को एटमोसफेयर में निकाल देंगे तो उसमें हमारा ब्रेक रिलीज हो जाएगा, इसलिए हमारा यह पर आइसोलेटिंग कॉक वेन टाइप होता है। उसके बाद देखिए हमारा जो कट ऑफ एंगल कॉक होता है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर चार कट ऑफ एंगल कॉक होता है, और देखिए हमारा यहाँ पर डार्ट कलेक्टर जो है टू वे टाइप होता है, वो डार्ट कलेक्टर दो डार्ट कलेक्टर लगाया जाता है, और आइसोलेटिंग कॉक जो लगाया जाता है आइसोलेटिंग कॉक 5 आइसोलेटिंग कॉक लगाया जाता है, और हमारा जो फीट पाइप का से देखिए जो प्रेशर गैस रहता है वो हम लोगों को पता चलता है जो फीट पाइप में कितना, जो ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम है वो BMBC का हम लोग जो बात किया अभी BMBC के लिए अर्थात बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, और बोगी में जो ब्रेक सिलेंडर लगता है अर्थात दो एक बोगी में दो ब्रेक सिलेंडर लगता है और एक कोस में टोटल 4 ब्रेक सिलेंडर लगता है, और ब्रेक BMBC का जो ब्रेक सिलेंडर है उसके बारे में आगे जाकर चर्चा करेंगे।
यहाँ देखिए जो हमारा एप्लीकेशन ब्रेक एप्लीकेशन कैसे होता है, यह हमारा चक्का होता है, इसका साथ ब्रेक ब्लॉक होता है। अभी देखिए ये ब्रेक ब्लॉक लगा हुआ है अर्थात ब्रेक अप्लाई हो गया। उस ब्रेक ब्रेक अप्लाई का टाइम देखिए कैसे होता है, ब्रेक हमारा जो बीपी का प्रेशर है वो देखिए ऊपर का तरफ आता, बीपी प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। और बीपी प्रेशर जब रिड्यूस होगा तो अब ये ऑक्सिलरी रिजर्वर का साथ कनेक्ट हो जाएगा हमारा बीसी का अर्थात ब्रेक सिलेंडर का। तो ब्रेक सिलेंडर यही काम करता है, हमारा जो ट्रिपल वाल्व होता है अर्थात मेन वाल्व होता है डीबी का अंदर, वही वाल्व पे ही काम करता है। और जब हमारा रिड्यूस होगा बीपी प्रेशर तो अब हमारा ये जो पोर्ट है इसका साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। इसका साथ कनेक्ट होने के बाद हमारा ब्रेक एप्लीकेशन हो जाएगा। अभी देखिए हमारा ब्रेक जो लगा हुआ था वो अभी रिलीज पोजीशन में है अर्थात व्हील का साथ देखिए ये जो गैप बना हुआ है अर्थात रिलीज पोजीशन। रिलीज कैसे हुआ हम लोग थोड़ा देख लेता हूँ। देखिए जो बीपी प्रेशर जो था हमारा रिड्यूस नहीं, अभी बीपी प्रेशर राइज हो रहा है अर्थात हमारा बीपी प्रेशर फिर से हमारा डीबी का अंदर जा रहा है। अर्थात जब बीपी प्रेशर जाएगा तब तो हमारा जो ऑक्सिलरी रिजर्वर जो है उसी का जो वाल्व होता है ये हमारा मेन वाल्व है, हमारा ऑक्सिलरी रिजर्वर का वाल्व जो पोर्ट है वो बंद कर देगा। और बंद करने के बाद हमारा जो ये बीसी का जो हमारा जो लाइन है वो पोर्ट एग्जॉट पोर्ट का साथ कनेक्ट कर देगा अर्थात हमारा ये डीबी का माध्यम से फिर एग्जॉट पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा, हमारा एयर बाहर आ जाएगा। और एयर बाहर आ जाएगा मतलब हमारा जो ब्रेक सिलेंडर वो फिर रिलीज पोजीशन में आ जाएगा अर्थात हमारा जो रिलीज पोजीशन अर्थात ब्रेक रिलीज ऐसे ही हमारा ब्रेक रिलीज होता है। और थोड़ा सा देख लीजिए हमारा जो लाइन डायग्राम है वो थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लीजिए, हमारा जो ये एयर ऑक्सिलरी रिजर्वर होता है उसका बाद ये देखिए हमारा जो डीबी का सीआर होता है यहाँ पर, और ये हमारा डीबी लगा हुआ है। इधर देखिए ब्रेक सिलेंडर है, ये फुल कोर्स के लिए दिखाया गया। इधर दो ब्रेक सिलेंडर है, इधर दो ब्रेक सिलेंडर है अर्थात ये भी BMBS सिस्टम ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर काटा में एंगल कॉक लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ देखिए जो आइसोलेटिंग कॉक वेन टाइप जो होता है, और यहाँ पर देखिए टू वे डार्ट कलेक्टर लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेक वाल्व हमारा LHB में देखिए देखिएगा तो यहाँ पर नॉन रिटर्न वाल्व रहेगा। और देखिए यहाँ पर देखिए टू ए डार्ट कलेक्टर लगा होता है, और देखिए आइसोलेटिंग कॉक और वेन विदाउट वेन टाइप होता है। और इधर देखिए जो हमारा बीपी का साथ कनेक्ट है वो अलार्म चेन पुलिंग के लिए, और इधर देखिए अलार्म चेन पुलिंग जैसे अप्लाई हुआ है हमारा हैंडल इधर वर्टिकली हो गया, उसके बाद उसके मतलब यहाँ पर अलार्म चेन एक्टिव हो गया। उसके बाद देखिए वो ये प्रेशर गेज होता है हमारा गार्ड वैन ब्रेक जो चौक डाया होता है, हम लोगों को बताया जो गार्ड वैन इमरजेंसी जो चौक डाया है वो 8 मिलीमीटर होता है। उसके बाद हमारा जो ब्रेक पाइप का 25 मिलीमीटर होता है पाइप, दोनों पाइप अर्थात बीपी और एफपी। यहाँ पर देखिए हमारा जो LHB कोर्स है उसी का बारे में जो लाइन डायग्राम है वो उसी का बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। सेम ही रहता है हर कोई सिस्टम यहाँ पर, मगर थोड़ा सा हम लोगों को पता है जो ऑक्सिलरी रिजर्वर होता है एक होता है 125 लीटर के लिए, वो होता है हमारा ब्रेक सिस्टम के लिए, और एक रहता है टॉयलेट सिस्टम के लिए 75 लीटर। वो आगे जाकर देखेंगे यहाँ पर यहाँ से वो कनेक्ट होता है अर्थात फीट पाइप से ही कनेक्ट रहता है, यहाँ से कनेक्ट होता है हमारा टॉयलेट सिस्टम के लिए, दो टॉयलेट सिस्टम के लिए यहाँ से होता है। और यहाँ पर हमारा जो 75 लीटर के लिए होता है वो हमारा ऑक्सिलरी रिजर्वर जो होता है 75 लीटर, वो हमारा टॉयलेट पर्पस के लिए यूज होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर और यहाँ से एक जो कनेक्ट होता है वो होता है हमारा जो ब्रेक इंडिकेटर के लिए, हम लोगों को पता है जो LHB है उसमें ब्रेक इंडिकेटर रहता है, एक जब हमारा रेड होता है अर्थात वो ब्रेक इंडिकेटर में रेड कलर दिखाएगा तो वो ब्रेक अप्लाई होगा, और ग्रीन कलर दिखाएगा तो वो ब्रेक रिलीज है, इसी को बोलता है ब्रेक इंडिकेटर। यहाँ से कनेक्ट होता है, और एक कनेक्ट यहाँ से होता है जो WSP सिस्टम होता है उसी का अंदर ही रहता है हमारा जो LHB कोर्स में, हम लोगों को पता है जो WSP सिस्टम जो है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है,
अर्थात हमारा एक्सेल जैसे WSC सिस्टम में स्पीड सेंसर होता है, उसका बाद हमारा जो प्रेशर स्विच होता है, डैम वाल्व होता है, उसी के बारे में बात कर रहा है। डैम वाल्व लगा होता है हमारा यहाँ पर, एक तो डैम वाल्व लगा होता है यहाँ पर, हमारा चार एक्सेल के लिए चार डैम वाल्व लगा होता है। वो डैम वाल्व का अंदर ही हमारा जो WSP सिस्टम से हमारा जो एक्सेल के रोटेशन होता है उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का बाद हमारा जो स्लाइड अर्थात स्किप होने का चांस जो रहता है, हमारा जो व्हील का डैमेज होने का जो बात रहता है वो उसको प्रिवेंट करता है। ऐसा ही हमारा LHB का जो लाइन डायग्राम होता है। यहाँ पर देखिए जो इन एयर ब्रेक सिस्टम कंप्रेस्ड एयर में काम होता है, हम लोगों को पता है इंजन से हमारा कंप्रेस्ड एयर आता है, उसके बाद हमारा उसको किसी का माध्यम से आता है जो ब्रेक सिस्टम होता है, वो लोकोमोटिव कंप्रेस चार्ज होता है फीट पाइप ब्रेक पाइप थ्रू दी लेंथ ऑफ द ट्रेन, अर्थात पूरा ट्रेन में हमारा कंप्रेस्ड एयर लोकोमोटिव से आता है फीट पाइप और ब्रेक पाइप से। उसके बाद देखिए जो हमारा DB है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन कॉम्पोनेंट ऑफ द एयर ब्रेक सिस्टम, इट इज़ दी हार्ट, अर्थात हमारा जो पहले ही बोला था जो हमारा जो हार्ट होता है हमारा DB जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को हार्ट बोला जाता है ऑफ द एयर ब्रेक सिस्टम। ये हमारा क्वेश्चन जो ये हार्ट का बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है एग्जाम में। उसके बाद देखिए दी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व सेंस ड्रॉप एंड राइज, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व भी सेंस करता है, क्या सेंस करता है, BP प्रेशर को रिड्यूस करना और राइज करना कब वो सेंस करता है। उसका बाद हमारा ब्रेक एप्लीकेशन एंड रिलीज होता है, हम लोगों को पता है। अभी देखिए जो हमारा DB है वो सम इम्पॉर्टेंट वाल्व और दियर फंक्शन देख लेता हूँ। हमारा कुछ हमारा DB का अंदर जो वाल्व रहता है, बहुत सारा वाल्व रहता है, वो पहले वाल्व जो देखिए जो थ्री प्रेशर वाल्व बोला जाता है और मेन वाल्व भी बोला जाता है। ये जो थ्री प्रेशर वाल्व होता है, मेन वाल्व होता है, ये ओनली हमारा AP ब्रेक सिस्टम में यूज होता है, एक ही वाल्व हमारा AP ब्रेक सिस्टम में काम करता है। फिर भी हमारा यहाँ पर देखिए जो DB का अंदर जो थ्री प्रेशर वाल्व होता है उसका काम देखिए क्या काम करता है, जो मेन वाल्व भी बोला जाता है, जैसे BP प्रेशर ड्रॉप अर्थात रिड्यूस दैट टाइम ऑक्सिलरी रिजर्व पर कनेक्ट BC मतलब ब्रेक सिलेंडर फॉर ब्रेक एप्लीकेशन। हम पहले भी वो जो लाइन डायग्राम है उसी का माध्यम से दिखाया था, जो BP प्रेशर जब रिड्यूस होता है वो ऑक्सिलरी रिजर्व के साथ BC का कनेक्ट हो जाता है और कनेक्ट होने के बाद हमारा ब्रेक एप्लीकेशन हो जाता है। फिर और एक बार देखिए जब हमारा BP प्रेशर राइज होगा अर्थात BP प्रेशर फिर बढ़ेगा तो अब BC प्रेशर कनेक्ट टू एग्जॉस्ट पोर्ट अर्थात बाहर का जो एटमॉस्फेयर का साथ तो हमारा BC जो हमारा ब्रेक सिलेंडर होता है उसका एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर आ जाएगा, हमारा हवा निकल जाएगा, तब हवा निकल जाएगा मतलब ब्रेक रिलीज हो जाएगा। इसी का ही काम करता है मेन वाल्व और थ्री प्रेशर वाल्व। उसके बाद देखिए हमारा जो कंट्रोलर अर्थात कार्ट ऑफ वाल्व भी बोला जाता है इसको, ड्यूरिंग चार्जिंग कनेक्ट BP टू CR कार्ट ऑफ द कनेक्शन व्हेन BP प्रेशर इज रिड्यूस फॉर ब्रेक एप्लीकेशन। ये देखिए जो ये कंट्रोलर का काम है हमारा चार्जिंग करना, BP से CR चार्जिंग करना, और जब BP प्रेशर रिड्यूस होगा फॉर ब्रेक एप्लीकेशन का टाइम वो हमारा AR का साथ BC का कनेक्ट भी ये करता है। फिर देखिए हमारा मैक्सिमम प्रेशर लिमिटर, हमारा मैक्सिमम प्रेशर लिमिटर जो लिमिटिंग डिवाइस होता है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रेस्ट्रिक्ट द मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg/cm। अर्थात हम लोगों को पता है यहाँ पर देखिए जो 3.8 kg/cm² हमारा मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर जो ट्विन पाइप के लिए ICF जो ICF कोर्स होता है इसी का बारे में बोला गया, जो BMBC जो होता है 3.8 kg मैक्सिमम प्रेशर होता है, और हम लोगों को पता है जो यहाँ पर हमारा जो LHB होता है वो 3 kg/cm होता है मैक्सिमम प्रेशर जो LHB कोर्स के लिए जो यूज होता है। उसके बाद देखिए क्विक रिलीज वाल्व जो हमारा QRV बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म भी आता है वो थोड़ा सा याद रखिएगा, जो क्विक रिलीज वाल्व होता है
और इसका डायरेक्ट रिलीज वाल्व भी बोला जाता है। इसको इसका काम क्या है, रिलीज मैनुअली एग्जॉस्ट पोर्ट, अर्थात कभी भी हमारा सीआर अर्थात सीआर काम नहीं करेगा। उसके बाद हमारा जो ब्रेक सिलेंडर ब्रेक अप्लाई होकर रहेगा उसी का टाइम हम लोग के क्या करना है, हम लोग का डीबी का जो मैनुअल रिलीज होता है, क्विक रिलीज वाल्व होता है, उसको हम लोग एग्जॉस्ट पोर्ट से हवा निकाल देना है। हवा निकाल देने से बाद क्या होगा, हमारा ब्रेक रिलीज हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो हमारा यहाँ पर जो प्रोसेस होता है हमारा ट्विन पे ब्रेक सिस्टम में, वो प्रोसेस देखिए, पहले चार्जिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद रिलीज प्रोसेस होता है, उसके बाद मैनुअल रिलीज होता है जो क्विक रिलीज वाल्व का से हम लोग करता हूँ। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वर ऑफ द कोस इज, अर्थात जो ऑक्सिलरी रिजर्वर होता है हम लोगों को पता है जो 200 लीटर का होता है हमारा ऑक्सिलरी रिजर्वर ICF के लिए, और हमारा जो LHB का है वो हम लोग अभी देखेंगे। ऑक्सिलरी रिजर्वर इज असिस्टिंग इन, हम लोगों को पता है जो ऑक्सिलरी रिजर्वर होता है वो सेंडिंग एयर टू BC, तब हम लोग का जो सेंडिंग अगर एयर BC का अंदर जाएगा तो अब एप्लीकेशन होगा हमारा ब्रेक। उसके बाद देखिए कैपेसिटी ऑफ द कंट्रोल रिजर्वर, हमारा कंट्रोल रिजर्वर का कैपेसिटी पैसेंजर को उसके लिए 9 लीटर होता है जो CR बोला जाता है। उसके बाद देखिए जो कंट्रोल रिजर्वर था CR इन एयर ब्रेक सिस्टम, हमारा CR एयर ब्रेक सिस्टम का काम क्या है, टू कंट्रोल ब्रेक सिस्टम। उसके बाद देखिए दिस CR इज माउंटेड ऑन द फेस ऑफ, हम लोगों को पता है जो कॉमन पाइप ब्रैकेट होता है जो CPB भी बोला जाता है, उसी का ऊपर ही हमारा CR लगा होता है। उसके बाद देखिए आफ्टर ब्रेक एप्लीकेशन दिस CR इज डिसकनेक्ट फ्रॉम द ब्रेक पाइप BP, अर्थात हमारा जो ब्रेक एप्लीकेशन हो जाता है उसी का टाइम हमारा डिसकनेक्ट रहता है BP के साथ। उसके बाद देखिए जो फॉर ICF कोर्स के लिए, देखिए अभी देखिए ICF के लिए जो ऑक्सिलरी रिजर्वर होता है वो 200 लीटर का होता है और कंट्रोल रिजर्वर 9 लीटर होता है, और फॉर वागन के लिए देखिए 100 लीटर होता है जो सिंगल पाइप यूज होता है। उसके बाद देखिए जो 6 लीटर के होता है कंट्रोल रिजर्वर के लिए हमारा जो वागन में, अभी देखिए जो LHB का कोर्स जो ऑक्सिलरी रिजर्वर होता है 2:1 होता है, 125 लीटर जो ब्रेकिंग पर्पज़ के लिए, और होता है 75 लीटर जो फॉर टॉयलेट पर्पज़ के लिए, और हमारा जो कंट्रोल रिजर्वर होता है LHB में वो 6 लीटर होता है। यहाँ पर देखिए जो चार्जिंग टाइम होता है हमारा जो कंट्रोल रिजर्वर वो हमारा LHB फॉर LHB कोर्स के लिए 160 सेकेंड होता है। अब देखिए फॉर टेस्टिंग KE टाइप DB, हम लोगों को पता है जो DB होता है एक दो टाइप का DB होता है हमारा, नॉर्मली हमारा जो जनरली जो यूज होता है हमारे इंडियन रेलवे में वो एक होता है KE टाइप और एक होता है C3W। अभी देखिए KE टाइप का जो CR चार्जिंग टाइम कितना होता है, 0 से 4.8 kg सेंटीमीटर से 160 ± 40 सेकेंड होता है, और हमारा जो के टाइप DB का जो ऑक्सिलरी रिजर्वर चार्जिंग का टाइम होता है 160 से 210 सेकेंड, और CR का चार्जिंग अभी बोला जो 160 से ± 40 सेकेंड होता है। और अभी देखिए फॉर टेस्टिंग C3W टाइप DB से ऑक्सिलरी रिजर्वर से चार्जिंग होता है 175 ± 30 सेकेंड, और जो कंट्रोल रिजर्वर का चार्जिंग होता है 165 ± 20 सेकेंड। इसको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। अभी हम लोग बात करेंगे दी पैसेंजर ट्रेन डायमीटर ब्रेक पाइप फीट पाइप, हम लोगों को पता है जो ब्रेक पाइप होता है और फीट पाइप होता है उसी का जो ये डायमीटर होता है 25 mm होता है हमारा कोच, अथवा ICF को जो पैसेंजर कोच होता है। और देखिए हमारा जो फॉर LHB कोर्स के लिए देखिए जो ब्रेक पाइप और फीट पाइप को जो इनर डायमीटर होता है अर्थात बोर साइज, हमारा जो हमारा ओनली फॉर जो ICF कोर्स का 25 mm ही हम लोगों को पता है। और यहाँ पर देखिए एक होता है इनर डायमीटर और एक होता है आउटर डायमीटर। इनर डायमीटर अगर बोला जाए तो बोर साइज बोला जाएगा उसका 25 mm होगा, और आउटर डायमीटर के लिए बोला जाएगा तो 32 mm होगा, और फॉर वागन के लिए 32 mm होता है। जैसे हमारा
वो ICF के लिए 25 मिलीमीटर दोनों होता है, ये भी हमारा 32 मिलीमीटर होता है। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द प्रेशर कंट्रोल रिजर्वायर इन कोचिंग ट्रेन, अर्थात कोचिंग ट्रेन में जो कंट्रोल रिजर्वायर अर्थात CR का जो प्रेशर होता है वो होता है 5 kg/cm². अर्थात अभी देखिए जो CR का प्रेशर है वो BP प्रेशर सेम होता है, अर्थात हम लोग को याद रखना है जो कंट्रोल रिजर्वायर का प्रेशर 5 kg होगा तो BP प्रेशर भी 5 kg/cm होगा। इसी का कभी कभी 5 ± 0.1 kg/cm भी बोला जाता है, ये भी ध्यान देना है एग्जाम में ऐसा भी रहता है। उसके बाद देखिए ऑक्सिलरी रिजर्वायर फीट पाइप जो 6 kg/cm होता है उसको इसी का माध्यम भी लिखा जाता है, जो 6 ± 0.1 kg/cm होता है। उसके बाद देखिए जो आफ्टर द ब्रेक एप्लीकेशन द ऑक्सिलरी रिजर्वायर जो हमारा एयर ऑक्सिलरी रिजर्वर होता है इज हाउ एवर कॉन्टिन्यूसली चार्ज फ्रॉम द फीट पाइप। हाँ हमारा एक बात सही है, जो हमारा जो ऑक्सिलरी रिजर्वर में जो कनेक्ट रहता है वो फीट पाइप का साथ रहता है, अर्थात हमारा कभी भी फीट पाइप का बात आएगा और ऑक्सिलरी रिजर्वर का बात आएगा वो होगा 6 kg/cm², और हमारा BP का बात आएगा और CR का बात आएगा वो 5 kg/cm² होगा। अभी देखिए काट ऑफ एंगल कॉक जो फिटेड ऑन द ब्रेक पाइप इज पेंटेड वो ग्रीन होगा, अर्थात ब्रेक पाइप का साथ जो काट ऑफ एंगल पाइप रहेगा वो होगा ग्रीन कलर और फिट पाइप का साथ जो काट ऑफ एंगल होगा वो होगा व्हाइट कलर, याद रखना। और ब्रेक पाइप का कलर होता है ग्रीन और फिट पाइप का कलर होता है व्हाइट, और हमारा जो काट ऑफ एंगल कॉक लगा हुआ है 4 कॉक काट ऑफ एंगल टोटल कॉक लगा हुआ है। अभी यहाँ देखिए इन द पैसेंजर ट्रेन डायमीटर ब्रांच पाइप, हम लोग को ब्रांच पाइप लेकर थोड़ा सा डाउट रहता है, जो ब्रांच पाइप होता है वो एक्चुअली जो ब्रांच पाइप वो 20 मिलीमीटर होता है अर्थात 20 मिलीमीटर होता है, और फॉर LHB को जो ब्रांच आउटर डायमीटर मेन ब्रेक सिलेंडर पाइपलाइन और ब्रांच पाइप, हमारा जो LHB का ब्रांच पाइप होता है वो 18 मिलीमीटर होता है और नॉर्मल जो हमारा ICF कोच होता है उसका 20 मिलीमीटर होता है। और देखिए हमारा ब्रांच पाइप और एक ब्रांच पाइप होता है जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म जो वाल्व होता है और पैसेंजर अलार्म सिग्नल डिवाइस होता है उसी का 20 में जो लाइन रहता है उसको बोलता है ब्रांच पाइप, वो ब्रांच पाइप का 10 मिलीमीटर होता है, ये भी याद रखना है। और एक जो पाइप होता है जो चौक डायमीटर होता है जो गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व के लिए लगता है वहाँ पर हमारा 8 मिलीमीटर होता है, और इसी का जो गार्ड इमरजेंसी चौक डायमीटर होता है वो LHB के लिए 19 मिलीमीटर हो जाता है, ये भी याद रखना है। अभी देखिए जो हमारा C3WKE Type DB जो हमारा 0 से 3.6 kg/cm² जो फिलिंग टाइम होता है अर्थात एप्लीकेशन टाइम होता है वो 3 से 5 सेकेंड होता है, और हमारा जो नॉर्मल ICF LHB दोनों ही 3 से 5 सेकेंड का अंदर एप्लीकेशन होता है, फिलिंग टाइम होता है, और हमारा EP सिस्टम जो इलेक्ट्रिक न्यूमेटिक सिस्टम जो होता है जो मैग्नेटिक वाल्व से काम होता है वो 4 से 6 सेकेंड होता है। और उसके बाद देखिए जो हमारा रिलीजिंग टाइम होता है एप्लीकेशन रिलीजिंग टाइम जो सर्विस फुल सर्विस एप्लीकेशन हमारा रिलीज टाइम होता है वो 15 से 20 सेकेंड होता है, अर्थात हमारा एप्लीकेशन 3 से 5 सेकेंड होता है और रिलीजिंग टाइम जो हमारा होता है टाइम होता है 15 से 20 सेकेंड, और LHB के लिए भी सेम होता है। मगर यहाँ पर देखिए जो EP सिस्टम जो है वो हमारा अप्लाई का टाइम भी 4 से 6 सेकेंड होता है और रिलीजिंग टाइम भी 4 से 6 सेकेंड होता है, दोनों ही 4 से 6 सेकेंड होता है, इसलिए EP ब्रेक सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है। अभी देखिए जो ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम होता है वो रिलीजिंग टाइम ऐसा भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, जो इन ट्विन पाइप सिस्टम द टाइम टेकन फॉर रिलीजिंग द ब्रेक इज टॉप 27 सेकेंड भी करना है, हम लोग को पता है जो 15 से 20 सेकेंड होता है मगर वो अगर नहीं रहेगा ऑप्शन में 27 सेकेंड रहेगा तब भी 27 सेकेंड होगा। देखिए हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो ऑप्शन रहेगा आप लोग हम लोगों को जो बेसिक आइडिया अगर रहेगा तो क्वेश्चन का आंसर करना कोई मुश्किल का बात नहीं है, इसलिए हम लोगों को बेसिक आइडिया होना चाहिए। अभी देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट शुड बी द इफेक्टिव मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर,
ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन, अर्थात फुल सर्विस एप्लीकेशन का हम लोगों को पता है जो 3.8 प्लस माइनस 0.1 केजी सेंटीमीटर होता है फॉर आईसीएफ के लिए, और एलएसबी के लिए होता है 3 केजी प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस 0.1 केजी सेंटीमीटर, अर्थात 3 केजी होता है हमारा एलएसबी के लिए और 3.8 केजी होता है 3.8 केजी होता है आईसीएफ के लिए। उसके बाद देखिए जो हमारा एप्लीकेशन, हमारा जो बीपी प्रेशर रिड्यूस होता है, बीपी प्रेशर रिड्यूस का हमारा जो होता है वो 4 प्रकार होता है बीपी प्रेशर रिड्यूस। और हम लोगों को पता है जो बीपी प्रेशर रिड्यूस मतलब ब्रेक अप्लाई होना, और बीपी प्रेशर जब तक रिड्यूस नहीं होगा तब तक बीपी हमारा ब्रेक अप्लाई नहीं होगा, इसलिए हमारा बीपी प्रेशर को रिड्यूस करना जरूरी है। वो क्या कहाँ से होता है, वो होता है डीबी का अंदर से। अर्थात यहाँ पर देखिए जो एप्लीकेशन होता है, एक होता है मिनिमम एप्लीकेशन जो बीपी प्रेशर हमारा रिड्यूस का, मिनिमम एप्लीकेशन को हम लोग पता है 0.5 से 0.8 केजी पर सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक होता है सर्विस एप्लीकेशन जो 0.8 से 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक होता है फुल सर्विस एप्लीकेशन वो होता है 1 से 1.5 केजी सेंटीमीटर, और एक होता है इमरजेंसी एप्लीकेशन, अर्थात इमरजेंसी एप्लीकेशन का टाइम है 1.5 से 3.8 तक आएगा। ये चारों आप लोगों को याद रखना है, ये चारों से एक कभी भी एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद देखिए ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर जो ड्रॉप होता है, हमारा बीपी प्रेशर जो फुल सर्विस एप्लीकेशन ड्रॉप होता है वो अभी देखिए जो हम लोग अभी बात किया जो 1 से 1.5, अभी यहाँ पर आंसर अगर 1.5 रहेगा तभी हमारा आंसर 1.5 होगा। उसके बाद देखिए दी ड्राइवर रिड्यूस बीपी प्रेशर 1.2 केजी सेंटीमीटर देन इट इज कॉल्ड फुल सर्विस एप्लीकेशन, अर्थात हम लोगों को पता है जो फुल सर्विस एप्लीकेशन होता है वो 1 से 1.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, अर्थात इसी का अंदर जो एप्लीकेशन का ये हमारा प्रेशर होगा उसी को हम लोग फुल सर्विस एप्लीकेशन बोला जाएगा। अभी देखिए जो 1.2 केजी पर सेंटीमीटर होता है इसी का अंदर ही होता है 1.2 केजी, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर फुल सर्विस एप्लीकेशन बोला गया। यहाँ पर देखिए जो बीसी जो ब्रेक सिलेंडर का वेंट प्लग इज यूज फॉर ब्रेक रिलीज, हमारा ब्रेक सिलेंडर में भी एक वेंट प्लग है, वो ब्रेन प्लग से हमारा हवा निकल जाता है, इसलिए वो जो वो वेंट पाइप का काम होता है ब्रेक रिलीज करना। उसके बाद देखिए एमआर प्रेशर, हमारा जो मेन रिजर्वर जो होता है उसका प्रेशर कितना होता है 8 से 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए जी फंक्शन एनआरबी जो नॉन रिटर्न वाल्व होता है वो यूज्ड एयर ब्रेक सिस्टम टू प्रोटेक्ट फॉलो एयर फ्रॉम ऑक्सिलरी रिजर्वर टू फीट पाइप, अर्थात हमारा जब ऑक्सिलरी रिजर्वर में हवा ये फीट पाइप से भरा हो जाएगा उसके बाद वो रिटर्न और नहीं जाएगा। क्यों रिटर्न नहीं जाएगा, वो नॉन रिटर्न वाल्व यूज होगा, तब नॉन रिटर्न वाल्व का यही काम है जो एक बार हवा भर गया वो बाहर नहीं होगा। उसके बाद देखिए व्हाट डू यू मीन SCTR, अर्थात सिंगल कार टेस्ट रिग, ये सिंगल कार टेस्ट रिग होता है और एक होता है सिंगल कार टेस्ट डिवाइस, ये दोनों ही सिंगल कार टेस्ट में आता है, इसका फुल फॉर्म में भी जानना पड़ेगा। उसके बाद देखिए ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग, हमारा जो यहाँ पर देखिए ब्रेक शुड अप्लाई व्हेन द रेट एयर प्रेशर इन बीपी इज 0.6 केजी सेंटीमीटर मिनट इन 6 सेकेंड, अर्थात हम लोग याद रखना है 0.6 इन इज इक्वल टू 6 सेकेंड, अर्थात ये अगर 0.6 दोनों ही मिला हो जाएगा तो हम लोग को याद रखना है तब ब्रेक शुड अप्लाई होगा, अर्थात यहाँ पर सेंसिटिव टेस्ट होगा। अर्थात सेंसिटिव टेस्ट में क्या होता है, इन एयर ब्रेक सिस्टम सेंसिटिव टेस्ट इज परफॉर्म नॉन वर्किंग सेंसेशन डीबी डिसाइडेड वाल्व, अर्थात सेंसिटिव होने का बाद ही तो हम लोगों का जो डीबी काम करता है, बीपी प्रेशर को रिड्यूस करना है ना रेज करना है। यहाँ पर देख लीजिए जो सेंसिटिव टेस्ट होता है, अभी बात किया जो 0.6 केजी सेंटीमीटर इन 6 सेकेंड वो ब्रेक शुड अप्लाई होता है, और इनसेंसिटिव टेस्ट जो 0.3 सेंटीमीटर से 60 सेकेंड, अगर ए होगा तो ये नहीं होगा नॉट अप्लाई, अर्थात ब्रेक शुड नॉट अप्लाई होगा, 60 सेकेंड मतलब एक मिनट होता है, ये भी याद रखना है। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो हम लोगों का मैक्सिमम प्रेशर लीकेज के बारे में बात करेंगे, जो द रेट ऑफ एयर
लीकेज इन सिंगल कार टेस्ट शुड नॉट मोर देन, अर्थात इससे ज़्यादा लीकेज नहीं होना चाहिए। कितना लीकेज नहीं होगा, 0.002 केजी पर सेंटीमीटर पर मिनट में नहीं होना चाहिए। और एक क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग ड्रॉप टेस्ट ऑफ द रेक द मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन बीपी और एफपी, अर्थात बीपी प्रेशर एफपी प्रेशर दोनों से अगर 0.2 केजी सेंटीमीटर पर मिनट से ज़्यादा होगा तो अब हमारा यहाँ पर सेंसिटिव टेस्ट नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, जो मैक्सिमम प्रेशर लीकेज एलएचबी के लिए कितना होता है, 0.02 केजी पर सेंटीमीटर पर मिनट में, मगर 5 मिनट में हम लोगों को अप्लाई होता है, हमारा टेस्ट हो जाता है वो 0.1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। उसके बाद लोको का देखिए, 0.14 केजी पर सेंटीमीटर पर मिनट, जो 5 मिनट के लिए टेस्ट होगा तब होगा 0.7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद देखिए, जो आईसीएफ को अभी बात किया, जो 0.2 केजी पर सेंटीमीटर पर मिनट, और वागन के लिए होता है 0.25 केजी पर सेंटीमीटर पर मिनट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम में आता है। एक यहाँ पर थोड़ा जैसे देख लीजिए, जो केई टाइप डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होता है ऐसा होता है, और ये ब्लैक कलर लगा हुआ है, सिल्वर कलर लगा हुआ है, इस ऐसा ही हमारा जो डीबी होता है, जो हमारा ब्रेक सिस्टम का हार्ट बोला जाता है। अभी देखिए जो क्वेश्चन है, आफ्टर ब्रेक रिलीज आइसोलेटिंग द ब्रेक सिलेंडर फ्रॉम द ऑक्सिलरी रिजर्वर बाय द डीबी, अर्थात डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से, और हम लोगों को पता है जो डीबी को हम लोग हार्ड बोला जाता है हमारा, और डीबी आइसोलेटिंग हैंडल वर्किंग पोजीशन, हमारा जो डीबी का आइसोलेटिंग हैंडल होता है वो वर्टिकल में पोजीशन में रहेगा तो वर्किंग पोजीशन रहेगा, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन रहेगा तो आइसोलेटिंग पोजीशन रहेगा। व्हिच कंपोनेंट सप्लाई कंप्रेस्ड एयर इन डीबी, हम लोग पता है जो मेन वाल्व होता है वो उसको हमारा कंप्रेस्ड एयर ले काम करता है डीबी में, और व्हिच वाल्व इज डीबी कंट्रोल चार्जिंग सीआर, अर्थात हमारा जो सीआर को कंट्रोल करता है वो काट ऑफ वाल्व होता है, एक तो वाल्व और होता है जो काट ऑफ वाल्व होता है उसका अंदर वो डीबी कंट्रोल चार्जिंग ऑफ सीआर होता है। और उसके बाद देखिए दी ट्रबल शूटिंग, अर्थात कोई ट्रबल आवाज होगा फॉर ट्विन पाइप सिस्टम में आइसोलेटिंग, वो तो अब आइसोलेट करना है एयर को डीबी को रिलीज ब्रेक, अर्थात ब्रेक रिलीज करने के लिए ऑक्सिलरी रिजर्वर और डीबी को आइसोलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन ऑफ मेन वाल्व C3W डीबी सप्लाई रिक्वेस्ट अमाउंट प्रेशर इनटू द ब्रेक सिलेंडर व्हेन बीपी प्रेशर इज रिड्यूस, अर्थात हमारा जो मेन वाल्व होता है C3W में वो बीपी प्रेशर इज रिड्यूस के लिए काम करता है। और एक बार देखिए, जो मेन वाल्व होता है डीबी एग्जॉस्ट प्रेशर, अर्थात हमारा बाहर हो जाता है प्रेशर, तो अब क्या होता है बीपी प्रेशर इज रेज, अर्थात हमारा बीपी प्रेशर रेज्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट शैल बी दी फंक्शन चेक वाल्व, चेक वाल्व का क्या काम है C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ एयर, अर्थात जो नॉन रिटर्न वाल्व है उसी का काम भी सेम होता है और चेक वाल्व का काम भी यही होता है। व्हिच इक्विपमेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच इक्विपमेंट आर नॉट चार्ज व्हेन डीबी इज आइसोलेटेड, अर्थात डीबी अगर आइसोलेटेड होगा तो कंट्रोल रिजर्वर ब्रेक सिलेंडर चार्ज नहीं होगा, कंट्रोल रिजर्वर ब्रेक सिलेंडर चार्ज नहीं होगा। उसके बाद देखिए, व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज क्विक रिलीज वाल्व से व्हिच प्रेशर विल बी दी वेंट आउट, वो सीआर प्रेशर ही ओनली वेंट आउट होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता है। उसके बाद देखिए हमारा इफ डीबी इज हैविंग लीकेज, हमारा डीबी अगर लीकेज होगा तब क्या होगा, क्लॉज द आइसोलेटिंग कॉक बीपी ब्रांच पाइप, अर्थात बीपी ब्रांच पाइप से हमारा आइसोलेटिंग कॉक से बंद करना है, नहीं तो फिर ब्रेक अप्लाई हो जाएगा, इसलिए वो बंद करना जरूरी है डीबी लीकेज होगा तो। उसके बाद देखिए जो इफ द डीबी इज लीकेज, हमारा जब डीबी जब हैविंग लीकेज है तो डीबी लीकेज होता है तो आप क्लॉज द आइसोलेटिंग कॉक ऑफ द बीपी प्रेशर, जो हमारा बीपी ब्रांच पाइप होता है उसको आइसोलेटिंग कॉक से बंद करना चाहिए।
नेक्स्ट सेक्शन देखिए, जो हमारा पीओएस पीरियडिसिटी ऑफ डीबी, हमारा पीओएस होता है डीबी का वो 3 इयर्स और 8 लाख किलोमीटर पर एवर, जो पहले अगर 8 लाख किलोमीटर हो जाएगा वो भी पीओएस होगा, और नहीं तो 3 इयर्स में पीओएस होगा। उसके बाद देखिए वारंटी पीरियड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का वारंटी पीरियड रहता है वो 36 मंथ रहता है, अर्थात 3 साल रहता है, और डिलीवरी और 24 मंथ फॉर डेट ऑफ फिटमेंट हुए इस बार ईयर, जो पहले होगा 24 मंथ होता है, 2 साल में भी होता है, वारंटी रहता है। यहाँ पर देखिए जो हमारा कॉमन पाइप ब्रैकेट होता है वहाँ पर देखिए, इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रांच पाइप डीबी टू बीसी भाया कॉमन पाइप ब्रैकेट एट द बॉटम से होता है। उसके बाद देखिए इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रांच पाइप डीबी और ऑक्सिलरी रिजर्वर भाया कॉमन ब्रैकेट, वो इन मिडिल पाइप से जाता है, अर्थात जो हम लोग को पता है जो एयर पाइप हमारा बीसी पाइप हमारा, देखिए यहाँ पर अगर ये डीबी होगा तो यहाँ से एक पाइप होगा, यहाँ से एक पाइप होगा और यहाँ से एक पाइप होगा, तो डीबी से नीचे का जो बॉटम का पाइप होता है वो ब्रेक सिलेंडर के साथ लगा होता है, बीसी का साथ लगा होता है, वो हम लाइन बेन डायग्राम से देखा हूँ, और ऊपर का जो टॉप पाइप होता है वो बीपी प्रेशर आता है, और जो मिडिल बीपी प्रेशर आता है वो, और मिडिल से जो लगा देता है वो ईआर से लगा रहता है, इसको यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया इन ईआर ब्रेक सिस्टम ब्रांच पाइप डीबी टू ईआर ऑक्सिलरी रिजर्वर भाया कॉमन पाइप ब्रैकेट वो मिडिल, देखिए ये मिडिल पाइप, और देखिए दी थ्री ब्रांच पाइप आर अटैच्ड कॉमन पाइप ब्रैकेट वायर दी मिडिल पाइप, वही मिडिल पाइप का बाल फिर पूछा गया वो ऑक्सिलरी रिजर्वर होता है। ये हमारा जो ब्रेक सिलेंडर है वो ब्रेक सिलेंडर हम अभी बात करेंगे, और ब्रेक सिलेंडर का जो डाया होता है वो वेरियस टाइप डाया होता है वो देखेंगे अभी। अभी यहाँ पर देखिए व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, हम लोग को पता है जो बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर था वो 8 इंच होता है, अच्छा 203 मिलीमीटर होता है, और इन कॉन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर और कॉन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम में 2 ब्रेक सिलेंडर होता है, जो हमारा 14 में देखिए कॉन्वेंशनल ब्रेक सिलेंडर जो आईसीएफ में अंडर फ्रेम में लगा जाता है वो 14 इंच होता है, अभी तो कॉन्वेंशनल जो सिस्टम है वो अभी नहीं है, फिर भी थोड़ा देख लीजिए जो 14 इंच होता है, और हमारा मिलीमीटर 395 मिलीमीटर होता है, और कॉन्वेंशनल में जो ब्रेक सिलेंडर तो एक बोगी में एक ही ब्रेक सिलेंडर लगा होता है, और पूरा कोर्स में हमारा 2 सिलेंडर लगा होता है, और बीएमबीसी जो ब्रेक माउंटेड ब्रेक सिस्टम में जो काम होता है वो ब्रेक माउंटेड ब्रेक सिलेंडर बोला जाता है, उसको टोटल हमारा जो डाया होता है वो 8 इंच होता है और 203 मिलीमीटर होता है, और हमारा 4 ब्रेक सिलेंडर लगा होता है, हमारा एक बोगी में 2 होता है और दूसरा बोगी में 2 होता था, 4 ब्रेक सिलेंडर होता है। अभी देखिए ईएमओ मेमो के लिए देखिए जो बीएमबीसी जो ब्रेक माउंटेड बॉडी सिलेंडर में सिस्टम में वो नॉर्मल जो ईएमओ का होता है वो 8 इंच होता है, 203 मिलीमीटर होता है, और 4 ब्रेक सिलेंडर होता है हमारा एक कोच में, और एक देखिए एसीसी बोगी होता है और मोटर कोच होता है, मोटर कोच और एसीसी में देखिए जो 8 इंच का जो ब्रेक सिलेंडर होता है वो 8 लगा होता है, अर्थात एक ब्रेक हमारा बोगी में 4 ब्रेक सिलेंडर होता है, अर्थात पूरा कोर्स में हमारा 8 ब्रेक सिलेंडर होता है, और एसीसी जो बोगी होता है हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन में एयर बेलो सिस्टम होता है, ये एयर बेलो सिस्टम का बारे में जो एयर सस्पेंशन होता है इसके बारे में एक वीडियो बाद में लेकर आएंगे। अभी देखिए फॉर एलएचबी कोर्स जो डिस ब्रेक सिस्टम होता है एलएचबी कोर्स का, उसमें देखिए जो ब्रेक सिलेंडर लगता है वो 10 इंच होता है, और उसका मिलीमीटर में 295 बाद 294 मिलीमीटर भी बोला जाता है। अभी देखिए उसमें टोटल 8 सिलेंडर लगा जाता है, एक बोगी में लगा जाता है 4 और एक बोगी में लगा जाता है 4, अर्थात टोटल 8 ब्रेक सिलेंडर होता है। अभी देखिए फॉर वागन के लिए देखिए ऑल कॉन्वेंशनल ट्रॉली वागन जो हमारा अंडर फ्रेम होता है वो 14 इंची होता है, वो 395 मिलीमीटर होता है, और उसमें एक ही ब्रेक सिलेंडर लगा होता है। अभी देखिए बीएमबीसी जो बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर होता है वो न्यू मॉडिफाइड हुआ है कैसनाब बोगी के लिए, वो हमारा ब्रेक सिलेंडर 10 इंची लगता है
और 295 मिलीमीटर होता है और उसमें दो ब्रेक सिलेंडर लगता है, एक बोगी में एक ब्रेक सिलेंडर लगता है, अर्थात दो बोगी लेकर भी एक कोच होता है, हमारे एक वागन होता है, अर्थात दो ब्रेक सिलेंडर लगता है। उसके बाद देखिए हमारे जो फॉर गार्ड ब्रेक वैन के लिए देखिए BBZI, हमारा BBZI जो गार्ड ब्रेक वैन होता है वो 8 व्हील होता है, और हम लोग पता है जो आईसेप ट्रोली लगा होता है, दो आईसेप ट्रोली, अर्थात ये इसका जो ब्रेक सिलेंडर का डाया होता है 8 इंची, अर्थात हमारा 203 मिलीमीटर होगा, और हमारा इसमें पूरा ब्रेक सिलेंडर लगा होता है, हमारा पूरा बोगी में हमारा जो गार्ड वैन बोगी होता है उसमें दो ब्रेक सिलेंडर लगा होता है। और उसके बाद देखिए BBCM, ये होता है न्यू टाइप, ये भी 8 व्हील होता है, और ये होता है कैस्नप ट्रॉली, इसको याद रखना है। हमारा BBZI में ICF ट्रॉली लगा जाता है और BBCM में टू कैस्नप ट्रॉली लगा जाता है, दो कैस्नप ट्रॉली लगा जाता है। इसमें देखिए 14 इंची होता है हमारा ब्रेक सिलेंडर का, 395 मिलीमीटर, और इसमें एक बोगी को एक ब्रेक सिलेंडर लगता है, अर्थात दो बोगी लेकर हमारा BBCM होता है ब्रेक वैन, और उसमें दो ब्रेक सिलेंडर लगा होता है। और तीसरा देखिए BBZC जो ओल्ड टाइप होता है, और ये सिर्फ 4 व्हील के लिए होता है, अर्थात 12 इंची हमारा हमारा जो ब्रेक सिलेंडर का डाया होता है वो 305 मिलीमीटर होता है, और एक ही हमारा ब्रेक सिलेंडर यूज होता है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए जो चेक वाल्व होता है ये, उसके बाद आइसोलेटिंग कॉक देखिए ऐसा होता है, एंगल कॉक होता है देखिए ऐसा होता है, और हमारे जो सेंट्रीफ्यूगल डार्ट कलेक्टर ट्विन टू वे सिस्टम जो होता है इसको देख लीजिए। अभी देखिए इसी के बारे में बात करेंगे, काट ऑफ एंगल कॉक जो है हमारा 4 लगता है टोटल, काट ऑफ एंगल कॉक एक कोच में वो कैन बी फिटेड होता है BP अर्थात ब्रेक पाइप के साथ, फिट वेब दोनों के साथ ही हमारा फिटेड होता है। उसके बाद इन दी हैंडल ऑफ द काट ऑफ एंगल कॉक रोटेट ऑल अराउंड दी डज नॉट स्टॉप एट ए स्पेसिफिक पोजिशन दैट दी रीजन कैन बी, तब क्या रीजन होगा देखिए, जो स्टॉपर लग ऑफ कैप ब्रोकन और स्टॉपर प्लेट डिफेक्टिव हो सकता है, अर्थात स्टॉपर लग और कैप ब्रोकन भी हो सकता है, स्टॉपर प्लेट डिफेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर इज लीकेज फ्रॉम वेंट होल इन ओपन पोजिशन फ्रॉम काट ऑफ एंगल कॉक, अर्थात हमारा काट ऑफ एंगल कॉक का अंदर हमारा वेंट होल होता है, वो अगर लीकेज होगा तब क्या होगा देखिए, एनी फॉरेन पार्टिकल स्टिकिंग ऑन दी सरफेस ऑफ द बॉल, अर्थात हमारा जो बॉल एक बॉल रहता है हमारा काट ऑफ एंगल कॉक का अंदर, उसमें फॉरेन पार्टिकल्स मैंने धूला रह सकता है। उसके बाद देखिए व्हाट इज द फंक्शन लीप स्प्रिंग, हमारा काट ऑफ एंगल कॉक का अंदर लीप स्प्रिंग रहता है, उसका फंक्शन क्या है, टू कीप ऑपरेटिंग हैंडल इन ऑफ ऑन पोजिशन फार्मली, अर्थात ऑन पोजिशन को वो पकड़ के रखता है जो लीप स्प्रिंग होता है। उसके बाद देखिए द वेंट होल प्रोवाइड इन द काट ऑफ एंगल कॉक व्हेन एंगल कॉक इज क्लोज्ड एग्जॉस्ट एयर प्रेशर ऑफ एयर हुज इन टू दी एटमोसफेयर, अर्थात क्लोज पोजिशन में रहेगा तो वो वेंट होल से एग्जॉस्ट हो जाएगा एयर प्रेशर, इसके लिए भी हमारा वेंट होल होता है। नेक्स्ट देखिए इन डायमीटर ऑफ बॉल इन इंटरनल बॉल वाल्व काट ऑफ एंगल कॉक, हमारा काट ऑफ एंगल कॉक का अंदर जो बॉल रहता है उसका डायमीटर रहता है 10 मिलीमीटर। उसके बाद देखिए काट ऑफ एंगल कॉक इज ओपन पोजिशन ऑफ हैंडल इज, हमारा काट ऑफ एंगल अगर ओपन पोजिशन रहेगा तो पैरेलल ऑफ टू पाइप के साथ पैरेलल रहेगा, अर्थात ये अगर पाइप होगा और यहाँ पर अगर काट ऑफ एंगल का हैंडल होगा इसका पैरेलल रहेगा तभी हमारा ओपन पोजिशन रहेगा। नेक्स्ट देखिए व्हाट टाइप ऑफ आइसोलेटिंग कॉक आर प्रोवाइडेड इन द पैसेंजर कोचेज, हम लोग पता है जो आइसोलेटिंग कॉक होता है टोटल 5 आइसोलेटिंग कॉक रखता है, वो बॉल टाइप होता है। यहाँ पर देखिए दी टाइप ऑफ डार्ट कलेक्टर यूज्ड इन बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, अर्थात बोगी माउंटेड ब्रेक जो पैसेंजर कोच होता है उसमें 2 वे रहता है हमारा डार्ट कलेक्टर, और वागन के लिए 3 वे रहता है। उसके बाद देखिए इन एयर ब्रेक सिस्टम कोच दी फिटेड इज 1 ब्रेक पाइप और 1 फिट पाइप
टू डार्ट कलेक्टर, अर्थात हमारा एक कोष में एक ब्रेक पाइप रहेगा, एक फीड पाइप रहेगा, टू डार्ट कलेक्टर रहेगा। उसके बाद देखिए, दी फंक्शन ऑफ डार्ट कलेक्टर इज सेग्रीगेट डार्ट पार्टिकल फ्रॉम दी एयर बिफोर कमिंग डीबी, अर्थात हमारा डीबी का पहले डीबी एयर आने का पहले हमारा जो एयर पार्टिकल में जो हमारा डस्ट रहेगा वो हमारा डार्ट कलेक्टर वहाँ से घुसने नहीं देगा, उसे इसी यही काम है हमारा डार्ट कलेक्टर का। उसके बाद देखिए, स्लो चार्जिंग फ्रॉम दी आउटलेट डार्ट कलेक्टर कैन बी ड्यू टू वो गैसकेट डैमेज हो जाता है, उसका अंदर जो डार्ट कलेक्टर अंदर गैसकेट रहता है वो गैसकेट डैमेज हो जाता है। उसके बाद देखिए, डार्ट कलेक्टर शुड बी क्लीन विद इन एट द टाइम ऑफ ए शेड्यूल, अर्थात ए शेड्यूल में अब जरूर हमारा डार्ट कलेक्टर को क्लीन करना है। ए शेड्यूल मतलब हम लोगों को पता है जो 30 डेज प्लस माइनस 3 डेज होता है। उसके बाद देखिए, लेंथ ऑफ एयर ब्रैकेट, एयर ब्रैकेट हुज इज, एयर ब्रैकेट हुज अगर बोलेगा तब 839 मिलीमीटर होगा, और एयर हुज पाइप अगर बोलेगा वो 660 प्लस 6 माइनस 0 मिलीमीटर होगा। अभी देखिए, जो एयर हुज कैन बी कनेक्ट टू हमारा बीपी और एपी कार्ट ऑफ एंगल कॉक से कनेक्ट होता है हमारा एयर हुज पाइप। उसके बाद देखिए, इन एयर ब्रेक सिस्टम ऑन कोज हाउ मेनी एमयू वाशर, अर्थात हमारा एमयू जो वाशर होता है वो कितना वाशर लगता है, 4 वाशर लगता है, और हमारा एमयू वाशर यूज होता है हमारा जो एयर हुज पाइप होता है उसका, उसी में हमारा एमयू वाशर यूज होता है, था एयर हुज पाइप भी 4 होता है और एमयू वाशर भी 4 होता है। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज़ दी फंक्शन ऑफ सीटिंग वॉशर इन एयर हुज, अर्थात एयर हुज में जो हमारा एमयू वॉशर रहता है इसी का फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन है प्रोवाइड स्ट्रेंथ व्हिच प्रिवेंट दी कपलिंग टू ओपन ड्यूरिंग नॉर्मल रनिंग, दोनों ही काम करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड स्ट्रेंथ के लिए काम करता है। यहाँ पर एक पिक्चर देख लीजिए, थोड़ा सा हमारा जो ब्रेक क्लिपर यूनिट होता है डिस्क ब्रेक का, उसी पर देखिए ये हमारा ब्रेक सिलेंडर होता है। हम लोगों को पता है जो ब्रेक सिलेंडर है 10 इंच के लिए होता है, 295 मिलीमीटर होता है, और यहाँ पर देखिए जो ब्रेक सिलेंडर का डाया भी दिया जाता है 10 इंची, और मैक्सिमम स्ट्रोक जो 21 मिलीमीटर होता है, और यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए जो स्लैक एडजस्टर कैपेसिटी होता है 120 मिलीमीटर, अर्थात स्लैक एडजस्टर जो ऐसे भी जो काम होता है इसी का अंदर ही काम होता है, इसी का बारे में अभी बात करेंगे। अभी देखिए, जो ऐसे भी होता है वो स्लैक एडजस्टर बैरल होता है जो ए डायमेंशन रहता है एयर ब्रेक सेक्शन में। अभी ऐसे भी का जो फंक्शन है वो जरा देख लीजिए, टू मेंटेन दी स्लैक बिटवीन ब्रेक ब्लॉक और व्हील ट्रेड, अर्थात व्हील और ब्रेक ब्लॉक का अंदर जो डिफरेंस है वही उसको ही मेंटेन किया जाता है जो स्लैक एडजस्टर बैरल होता है। उसके बाद टू मेंटेन ब्रेक शू व्हील ट्रेड क्लियरेंस, अर्थात ब्रेक शू और व्हील ट्रेड का अंदर जो क्लियरेंस मेंटेनेंस किया जाता है ऐसे भी दरअसल से। उसके बाद देखिए, टू डेवलप्ड ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, वो डेवलप होता है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करता है। उसके बाद व्हिच टाइप ऑफ स्लैक एडजस्टर इज यूज्ड पैसेंजर कोच, हम लोगों को पता है जो पैसेंजर कोच होता है उसमें IRSA 450, अर्थात IRSA 450 यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, जो मेजर्ड ए डायमेंशन बिटवीन, अर्थात ए डायमेंशन कहाँ से कहाँ तक मापा जाता है वो कंट्रोल रॉड हेड से बैरल फेस तक मापा जाता है। उसके बाद देखिए, इफ द ए डायमेंशन ऑफ द SAB इज रिड्यूस, अर्थात SAB जो ए डायमेंशन रिड्यूस होगा तो पिस्टन स्ट्रोक इज रिड्यूस होगा। उसके बाद देखिए, ए डायमेंशन आप पैसेंजर ट्रेन, अच्छा 13 टन अर्थात नॉन एसी के लिए 16 प्लस 2 माइनस 0 मिलीमीटर होता है, और हमारा जो 16 टन अर्थात एसी कोच के लिए वो 22 प्लस 2 माइनस 0 मिलीमीटर होता है। उसके बाद देखिए, ए डायमेंशन फॉर गुड्स के लिए 70 प्लस 2 माइनस 0 मिलीमीटर होता है। यहाँ पर और थोड़ा देखिए, जो हमारा ए डायमेंशन हाई स्पीड ट्रेन के लिए होता है वो 22 प्लस 4 माइनस 0 मिलीमीटर होता है। और उसके बाद देखिए, जो हमारा जो ए स्लैक एडजस्टर हाई स्पीड कोच, अर्थात हम लोगों को पता है जो हाई स्पीड कोच अभी देखा 22 मिलीमीटर, अर्थात 20 प्लस 2 माइनस 0 मिलीमीटर होगा,
और नहीं तो 22 मिलीमीटर होगा, दोनों ही सेम है। यहाँ पर देखिए अभी ऑप्शन से जैसे ऑप्शन आएगा वैसा आपको आंसर करना है। उसके बाद देखिए ई डायमेंशन मेजर होता है वो फ्रॉम प्रोटेक्शन ट्यूब भी ग्रुप मेड ऑन द स्पिंडल रॉड, अर्थात प्रोटेक्शन ट्यूब से भी ग्रुप मेड ऑन द स्पिंडल रॉड से। उसके बाद देखिए ई डायमेंशन इज मेजर टू फॉर पैसेंजर के लिए 375 प्लस 25 माइनस 0 मिलीमीटर होता है, और फॉर गुड्स के लिए होता है 595 प्लस 25 माइनस 0 मिलीमीटर होता है। इन्हें ऐसे भी डबल एक्टिंग मींस, अभी तो हमारा सिंगल एक्टिंग यूज होता है, फिर भी थोड़ा देख लीजिए डबल एक्टिंग मींस क्या होता है। ब्रेक शू क्लियरेंस इज एडजस्ट टू इट्स करेक्ट वाल्व बोथ वेज। उसके बाद देखिए फॉर रिलीजिंग ब्रेक एसएबी इज रोटेटेड टू, ब्रेक रिलीज करने के लिए एसएबी को रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज। ए डिवाइस प्रोवाइड इन द ब्रेक रिगिंग फॉर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ क्लियरेंस स्लैक एडजस्ट स्लैक बिटवीन ब्रेक ब्लॉक व्हील इज कॉल्ड ब्रेक रेगुलेटर। ये भी याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। यहाँ पर बोल रहा है जो ए डिवाइस मतलब कौन सा डिवाइस यूज होता है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट क्लियरेंस के लिए, जो ब्रेक ब्लॉक और व्हील का अंदर क्लियरेंस रखता है उसको बोला जाता है ब्रेक रेगुलेटर। यहाँ पर देखिए द एंड रूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ मेल एक्सप्रेस जो ब्रॉडगेज कोच होता है ट्रेन, उसका जो परसेंटेज होता है वो होता है 90%। यहाँ पर देखिए जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है हमारा वो कैसा दिया जाता है। देखिए टाइप एक पहले देखिए टाइप होता है बीपीसी कलर, उसके बाद देखिए वैलिडिटी तो मैन आवर, उसके बाद देखिए बीपी परसेंट जो हम लोग अभी पूछा गया था, उसके बाद रिड्यूस्ड। अभी देखिए जो सीसी रेक होता है क्लोज सर्किट जो रेक है उसके लिए जो बीपीसी कलर होता है वो येलो कलर होता है, और हम लोगों को पता है जो वैलिडिटी होता है वो 7500 किलोमीटर और 35 डेज होता है, और एक होता है 6000 किलोमीटर 30 डेज होता है, और मैन पावर होता है 100 मैन पावर फॉर रेक के लिए, और इसका जो सीसी रेक का जो बीपी सर्टिफिकेट होता है वो होता है 100%। उसके बाद देखिए रिड्यूस 20 डेज रिड्यूस होता है। उसके बाद देखिए प्रीमियम प्रीमियम एग्जामिनेशन के लिए जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, और उसका वैलिडिटी 12 प्लस 3 डेज अर्थात 15 डेज होता है टोटल। उसके बाद देखिए जो मैन आवर होता है वो 75 मैन आवर पर रेक के लिए, और इसका ब्रेक पावर परसेंटेज होता है 95%। यहाँ पर देखिए जो हमारा इंटेंसिव एंड टू एंड अभी जो बात किया था, जो क्वेश्चन था हमारा एंड टू एंड के लिए, उसका जो ब्रेक पावर जो परसेंटेज होता है वो 90% होता है, और ये कलर होता है ग्रीन नहीं तो वाइट होता है, और ये अनलोडिंग और अनलोडिंग के लिए होता है मैन आवर 56 मैन आवर होता है। और यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए ऑल कोसिंग ट्रेन जैसे सीसी रेक वो 100% होगा, और प्रीमियम ब्रेक अगर होगा तो 95% होगा, और एंड टू एंड होगा एयर ब्रेक के लिए होगा 90%। तीनों ही आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और वैक्यूम ब्रेक परसेंट अभी तो नहीं है, जो 85% के लिए होता था। अभी तो ब्रेक पावर जो सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन के लिए सीसी रेक वो व्हाइट कलर होता है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए जो फॉर एलएचबी कोर्स के लिए थोड़ा अलग से हमारा एडवांस ब्रेक सिस्टम होता है। देखिए एलएचबी कोर्स में ब्रेक एक्सीलेटर होता है, ब्रेक एक्सीलेटर का काम देखिए इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होता है, और जो प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एक्सीलेटर जो इमरजेंसी ब्रेक इस कोच और ब्रेक रेक हर रेक का जो कोच होता है उसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग होता है। ब्रेक एक्सीलेटर एक्यूट ड्यूरिंग इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन, अर्थात यहाँ पर देखिए जो हमारा ब्रेक एप्लीकेशन का बात बोला गया वो ब्रेक एक्सीलेटर अगर होगा तो इमरजेंसी के लिए होगा, और ये मिनिमम रेट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड एक्यूट द ब्रेक जो एक्सीलेटर है वो 3.2 kg पर सेंटीमीटर होता है।
उसके बाद देखिए हमारा जो होएन इमरजेंसी चेन पुलिंग ब्रेक एक्सीलेटर व्हील, हमारा जो चेन पुलिंग होता है वो रेस्पॉन्ड होता है, अर्थात हमारा एक्सीलेटर एक्टिव हो जाता है ब्रेक एक्सीलेटर चेन पुलिंग का टाइम। उसके बाद देखिए होएन इमरजेंसी पुल बॉक्स पुल फ्रॉम द इनसाइड द कोच द एयर प्रेशर ड्रॉप, अर्थात हमारा जो बीपी का एयर प्रेशर ड्रॉप होने के बाद ही हमारा ब्रेक लग जाता है। उसके बाद देखिए ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक एक्सीलेटर विल बी डज नॉट रिस्पॉन्ड, अर्थात हमारा जो मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन होता है पुल सर्विस होता है, उसका बाद हमारा इसमें हमारा एप्लीकेशन ब्रेक एक्सीलेटर काम नहीं करता है। ब्रेक एक्सीलेटर काम करते हैं इमरजेंसी ब्रेक के लिए, जैसे चेन पुलिंग होगा तभी काम करेगा। उसके बाद ब्रेक एक्सीलेटर जो कनेक्ट होता है वो बीपी का साथ ही रहेगा, हम लोगों को पता है बीपी का साथ इसलिए रहेगा ब्रेक एक्सीलेटर अगर बीपी का साथ रहेगा तभी तो हमारा इमरजेंसी ब्रेक लगेगा, अर्थात बीपी प्रेशर को रिड्यूस करेगा। देखिए व्हाट इज द प्रिंसिपल ब्रेक सिस्टम यूज्ड ऑन एलएचबी कोच, हम लोग बताया जाए ट्विन पाइप विद डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम होता है हमारा एलएचबी कोच में। यहाँ पर देखिए जो लोकेशन ऑफ आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइड जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस इन एलएचबी होता है कोचेस, वो नो आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइडेड होता है, अर्थात हमारा पैसेंजर इमरजेंसी जो सिग्नल डिवाइस है वहाँ पर हमारा आइसोलेटिंग कॉक यूज़ नहीं होता है। उसके बाद देखिए पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस प्रोवाइडेड इन एलएच फ्रॉम द पॉइंट वायर चेन पुल, अर्थात जहाँ से हमारा चेन पुलिंग हुआ वहीं से हम लोग को रीसेट करना है। उसके बाद देखिए हाउ कैन आइडेंटिफाइड द एक्चुअल पोजिशन चेन पुल, हम लोग कैसे हम लोग पता चलेगा जो चेन पुलिंग यहाँ से हुआ है, तो वो पता चलेगा पुल बॉक्स व्हील डाउन पोजिशन, पुल बॉक्स डाउन पोजिशन में रहेगा और हिसिंग साउंड कैन हियर, और हिसिंग साउंड आएगा। उसके बाद देखिए व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शो रेड, हम लोग को पता है जो हमारा जो एलएचबी कोच है उसमें जो ब्रेक सिस्टम होता है उसमें ब्रेक इंडिकेटर होता है, और ब्रेक इंडिकेटर में जो रेड कलर रहेगा तो अब ब्रेक अप्लाई होगा और ग्रीन कलर रहेगा तो अब ब्रेक रिलीज होगा। ऑन ब्रेक इंडिकेटर शो ग्रीन इवन ब्रेक आर इन अप्लाइड कंडीशन, अगर ब्रेक ग्रीन दिखाएगा अगर ब्रेक तो रिलीज होना चाहिए मगर वो ब्रेक एप्लीकेशन में है, इसका मतलब क्या हुआ ब्रेक इंडिकेटर स्टक अप इन रिलीज पोजीशन, अर्थात ब्रेक इंडिकेटर स्टक अप हो गया। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर टर्न ऑन नोटिफिकेशन जरूर करें। ओके थैंक यू दोस्त वॉचिंग फॉर माई वीडियो।